वेलकम टू मेरे यूट्यूब चैनल रैंडम क्लिक्स। तो आज की जो वीडियो है वो खास तौर पर जो है वो मर्द हजरात के लिए है। औरतें इस वीडियो को मत देखें, क्योंकि आज जो है हम आपको कुछ डिजाइन बताने वाले हैं जो कि समर कलेक्शन भी होगी और कुछ विंटर कलेक्शन होगी। इस पार्ट में हम बताएंगे आपको पहले विंटर कलेक्शन, क्योंकि जो है समर विंटर जो है वो जा रहा है तो आप इसको यूज कर सकते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट में हम बताएंगे आपको समर कलेक्शन। तो टाइम वेस्ट के बिना चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ, चलते हैं अपने पहले डिजाइन की तरफ। मेरे भैनों तो मेरे सोने सोने भरावों, तो यह है जी साडा विंटर कलैक्शन का पहला पार्ट, पहला जोड़ा। तो यह पार्टी डिजाइन भी है, ठीक है। हम थानू फटाफट दिखाने यदा घेरा, पहले यह घेरा जोड़ा जी है वो बिल्कुल टेढ़ा वा, तुम देख सकते हो, ऐ वेख लो, ठीक है। ऐ उपर वाला हिस्सा वा, ए पिछले वाला हिस्सा, ठीक है। तो हम थानू यदा असं गला दिखाने ताकि बाजू ये सिंपल ने, यदा जो गला वा ना वो आ बैन लगा के तो आ जिस असी ना एल टाइप जो गला बनाया, ठीक है। इस तरह फिर इस तरह आ रहा है एल टाइप गला वा। तो जो गला एंड खत्म होंगे, इतने बटन खत्म हो गए तो इतों आके असी काज कढ़ देना, मतलब आ देख लो खुला करता इतों आके, ठीक है। ये वाला हिस्सा जो थोड़ा अगे फ्रंट होना चाहिए, ठीक है। ऐ वाली थोड़ी जी वक्खी है कमर जिन्हों कहें, ठीक है। ऐ थोड़ी वक्खी है तो ए हिस्सा थोड़ा चेस्ट होना चाहिए दरम्यान, ठीक है। तो ए वाला देख लो इस तरह यदा ऐ घेरा वा, एन तुम जरा वो टेढ़ा मून भी कह, टेढ़ा हाफ मून भी कह सकते हो, ठीक है। यह साडा हैगा जी विंटर कलैक्शन पार्टी डिजाइन। ये तुम जी येलो कलर की शलवार यूज़ कर सकते हो, क्योंकि असी येलो कलर के बटन यूज़ किए ने कपड़े बना के, ठीक है। तो नीचे जो टच बटन लगे हुए हैं देख लो, अठ तुम टच बटन लगा देने, ठीक है, क्योंकि टच बटन बहुत ईजी रहते हैं। अगर तुम दूसरे काज करवाओगे तो काज जो जल्दी फट जाते हैं। तुम ये वाइट कलर का पजामा टाइट्स यूज़ कर सकते हो, वाइट कलर की सॉरी येलो कलर का पजामा टाइट्स यूज़ कर सकते हो। मैं कमला होया पाया कसने, क्योंकि डिजाइन बड़ी मुश्किल ने, मैं बड़े औखे बनाए ने, ठीक है। तो ना तुम ये येलो कलर का पेंट भी, जीन्स भी, टाइट्स कुछ भी तुम यूज़ कर सकते हो, ठीक है जी। यह है सा डिजाइन नंबर वन विंटर का। तो हम असं थानू इन पा के दिखाने तो फटाफट आ जाएगा। जी यह हैगा सारा दूसरा डिज़ाइन नंबर टू विंटर कलेक्शन का। ये हमारा डिज़ाइन नंबर टू है, ठीक है। ये भी पार्टी ड्रेस है, ये डांस ड्रेस भी हो सकता है। आप इसको डांस पहन के डांस कर सकते हैं, आप कोरियोग्राफर हैं तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। एज अ डांसर तो आप इसको पार्टी क्लब्स में, नाइट में यूज़ कर सकते हैं। तो ये बहुत ही फैंसी ड्रेस, मैंने बड़ी मुश्किल से मैंने इसका आइडिया सोचा था, ठीक है। इसके घेरे की बात करते हैं तो इसका घेरा जो है ना वो हाफ मून है, फ्रंट वाला ऐसा जो घेरा है, जो फ्रंट वाला है वो देख लें, ये देख लें, ये फ्रंट वाला है, ठीक है। ये हाफ मून है, ये देख लें। और जो बैक वाला है वो पूरा है, जो होता है चौड़ा के रेड़ा होना, ठीक है। तो अब हम आपको दिखाते हैं जी इसका जो हमने चेस्ट पे हमने एक बनाया है, ये मैंने जो मुझे पसंद आया मैंने वो नाम लिख लिया। आप यहाँ कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है, अपना नाम, ए ऐसे जो अपने गर्लफ्रेंड का नाम, अपने बॉयफ्रेंड का नाम, कुछ भी आप जो है ना, अगर आप लड़का हैं जो भी हैं तो आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये देख लें, अब यहाँ पे ये वाला जो हमने है उल्टा जो है हमने मुसल्लस, तो आप लोगों ने रियाजी में बड़ी पड़ी होगी, ठीक है। जो रियाजी में फेल है उनको तो नहीं पता होगा मुसल्लस क्या होती है। तो जी इसके बाजू हम देख लेते हैं, बाजू जो हमारे जो साइडों पर आने हैं ना, जो नज़र आने हैं, जो साइड वाला कोना होता है उस पर हमने ये पट्टी लगाई है ब्लैक वाली, ठीक है। दोनों साइडों पर हमने पट्टी यूज़ की है, बाकी कफ सिंपल ही हैं हमने यहाँ पर रखे हैं, ठीक है। गोल इसका बैन रखा है, उसका हमने गला कैसे खोलना है ये लगी हुई जिप इसकी, ठीक है। इसका हमने ये जिप से गला खोलना है, ठीक है। दोनों साइडों पर जिप लगा दी हमने, लेकिन इस वाली जिप हमने, ये वाली जिप जो है हमने वो बंद कर दी है बिल्कुल, ठीक है। लेकिन जिससे हमने गला खोलना है वो वाली जिप हमने खोल दी है, ठीक है। बैन लगा हुआ है, ये कपड़ा जो है आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। हमने तो ये है, आप इसको कह सकते हैं कि ये जो है वो लिनन है या कॉटन टाइप कुछ कपड़ा है, ठीक है। ये विंटर में ही आ सकता है, इसको आप सर्दियों का कपड़ा भी ले सकते हैं, गर्मी में भी पहन सकते हैं, दोनों में ये यूज़ हो जाता है, ठीक है। साथ में अपने इसके जो है वो चेन लगी जो है, पेंट यूज़ कर रहा हूँ मैं, तो आप इसमें साथ में कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। आप इसमें साथ ब्लैक पजामा आप मत इसके साथ यूज़ कीजिए, क्योंकि जो पजामा होता है ना उसका जो ये वाला पार्ट होता है, ये यहाँ से जो पार्ट होता है वो बहुत जो है ना वो खुला होता है, तो वो जब इसके साथ हम पहनेंगे तो उसका जो घेरा है तो उसके ऊपर नज़र आ जाएगा, ठीक है। फिर नीचे से नज़र आएगा पजामा आपका, तो वो बिल्कुल जो है ना वो कह रहे कि कहते हैं पैड़ा लगना हो, तो उसके नाल ना बस टायर से यूज़ करनी है, ठीक है। तो यह हूँ थानू दिखाता से, तो हूँ असं थानू पा के भी दिखा देने के जी असं खुद भी पा सकते हैं। चलो आ जाओ फिर।
सकते हो। तो बेलियो यह है वा सा विंटर का जो डिजाइन नंबर दसो कि डिजाइन है। यह है जी सा डिजाइन नंबर 3। ठीक है, सूँ अं 3 दो डिजाइन दिखाते हैं। तीसरा डिजाइन है जी, यह है सा मेहंदी स्पैशल डिजाइन, तुम्हें मेहंदी तो यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो उस तरह तुम किसी पार्टी भी जाकर पहन सकते हो। सब तो पहले यदि घेरे की गल करते हैं, तो यदा घेरा सिंपल चौड़ा ही है। तो घेरे तो असं आज देख लो पट्टियां बनाइया वा। ठीक है, आ पट्टियां ने तुम्हें बना के ना, पट्टियां कपड़े ने पट्टियां बना के थले चेपी लगी हुई है। तुम इतना 3-4-5 दिन तुम चंगे लगे तुम ला लेनी है। ठीक है, तेरे बाजू जो ने असं काज वाले बाजू बनाए हैं, तो वो तो भी देखो आ पट्टी लाती इस तरह, देखो एक एक दोनों साइड का। ठीक है, बाकी जो गला वा गला है सिंपल ही है। तो गले तो असं किया जी, गले तो असं पट्टी लाती है एक। ठीक है, बैन बना के दूसरा असं आह वाले जो डोरी वाले गले रखा है गला। ठीक, डोरी ने बंद करना, देखो बटन लगे हुए हैं, बटन येलो कलर के लाए हैं, क्योंकि पजामा जो येलो कलर का यूज़ होना। ठीक है, क्योंकि मेहंदी वाला ड्रेस है ना, इसलिए आ 4-5 बटन असं एवं बस शो वास्ते लाते हैं, ताकि बच्चे पैसे में चल इधर ला लेने कितने कितने। ठीक है, तो थोड़ा दस दूँगा मैं डिजाइन सारे मेरे जड़े ने अपने ने। ठीक है, मैं किसी को चोरी नहीं किए हुए, मैं सारे डिजाइन अपने खुद बनाए ने। नाल पजामे तो असं किया जी, तुम सिंपल येलो पजामा भी यूज़ कर सकते हो। मैं किया जी, जो जो साइड नज़र आनी है ना बाहर वाली साइड पर पजामे की, उस साइड पर मैं ओरेंज कलर की जी पट्टी लाती, क्योंकि साड़ा कमीज कड़ा वा जी, कड़ा रंग ऑरेंज रंग। ठीक है जी, चलो जी, ये हो गया हमारा मेहंदी वाला ड्रेस, आप लोगों ने अच्छे से देख लिया है। ठीक है, तो जी हूँ थानू असी ये भी पा के चलो दिखा ही दें, तुम भी की याद करो। चलो आ जाओ फिर। भी भरावो यह है सारा विंटर कलैक्शन का आखिरी हिस्सा, तो मेरी भी हूँ बस हो गई थानू दिखा दिखा के। तुम्हें इन्होंने ट्राई लास्ट भी करना, तो बड़े ही प्यारे डिजाइन है, तो बड़े यूनीक डिजाइन है सारे। यह है सारा विंटर कलैक्शन का लास्ट हिस्सा, तुम इनू वलीमे तो यूज़ कर सकते हो, तुम इन किसी पार्टी से यूज़ कर सकते हो, जो पॉइंट पा के जा सकते हो, किसी मंगनी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, बड़े इवेंट्स से यूज़ हो सकता जी। गला सिंपल बनाया असं यहाँ गोल गला, ठीक है, उस असं यहाँ पट्टी लगाई है। ठीक है, ये पट्टी अलग पहले बननी है, कपड़े की पट्टी बन के, ठीक है, दरमियान आ रेड कपड़ा वा साइडा तो आ देख लो आ ब्लू कलर का कपड़ा बन के, ठीक है, फिर लगानी है। तो ये पिछे आ देख लो असी एक तरह का आ भी लगाया हुआ वा। ठीक है, बना के तो आल जरा वा ये की हुई है नाल, ये मगजी जन तुम कह सकते हैं, कढ़ाई भी कह सकते हैं, पूरी एक साइड पर कढ़ाई करनी है। ठीक है, पट्टी लगा के फिर आ जाने जी असं ये साइड पर, एक साइड पर राइट साइड पर थोड़ा जी पट्टी असं बैन लगाया ना, वो पट्टी सेम इतने भी लानी है चेस्ट की राइट साइड पर। ठीक है, असं हमने पट्टी लगाई है चेस्ट की राइट साइड पर, फिर हमने ये वाले जो है ना ये कुंडे जो हैं हमने ये भी लगा दिए। ठीक है, 4 कुंडे लगा के जो 2-2 बटन लगा दिए साथ में। ठीक है, और ये कढ़ाई भी साथ साथ देख लें आप, ये साथ साथ हम दोनों साइड पर हमने कढ़ाई कर दी है। ठीक है, और ये है जी इसका गला, जहाँ से हमने इसको खोलना है बंद करना है। ठीक है, ये बटन लगाए हुए हमने पिंक या डार्क पिंक कलर के या डार्क रेड कलर के, जिस कलर की पट्टी लगाई है हमने। ठीक है, बाजू पर भी हमने फिर सेम ही किया है, ये बाजू देख लें। ठीक है, बाजू पर जो हमने बैंड पे किया वो हमने बाजू पे किया है। ठीक है, और फिर साइड पे हमने जो है वो एक चेन यूज़ की है ये वाली। ठीक है, ये देख लें, यहाँ बटन लगा के हमने इस बटन में डाल दी चेन, यहाँ से हमने इस बटन में डाली है, ये देखें। ठीक है, ये साथ में आप चेन यूज़ कर सकते हैं, इसको यहाँ पर भी लगा सकते हैं आप, यहाँ पर भी साथ में इसके आपने अगर इस कलर का कोई पैंट यूज़ करनी है वो भी कर सकते हैं रेड कलर की। ठीक है, आपने यहाँ पे जो है ये जो स्काई कलर है इसकी पैंट कलर की पैंट भी यूज़ कर सकते हैं। पजामा यूज़ मत कीजिएगा, क्योंकि ये शॉर्ट्स है ना, ये शॉर्ट शर्ट बनाई हुई है ये। ठीक है, ये शर्ट टाइप है, तो शर्ट के साथ जो है ना वो पजामे अच्छे लगते हैं। शर्ट के साथ आपको चाहिए कि आप जीन्स या टाइट्स यूज़ करें, टाइट जीन्स होती है ये, देखिए मैं रफ जीन्स के साथ मैं अक्सर यूज़ करता होता हूँ। ठीक है, आप अक्सर रफ जीन यूज़ कर सकते हैं, कुछ भी जो आपका मन चाहे, जो आपका दिल करे आपने वो यूज़ करना है। ठीक है जी, कपड़ा आप चेंज कर सकते हैं, ये वाला कपड़ा जो है ना ये तकरीबन क्या कहते हैं इसको, कॉटन नहीं कह सकते इसको, लेकिन ये लीले कॉटन मिक्स है, लेकिन सर्दियों वाला कपड़ा है ये। ठीक है, गर्मी में भी इसको हम यूज़ कर सकते हैं, यानी कि आप गर्मी में यूज़ नहीं कर सकते, सर्दियों गर्मियों दोनों में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, आपने डिज़ाइन जो है वो लाजमी ट्राई करने हैं। चलो हम आपको ये पा के दिखाते हैं।
ये थी हमारी आज की जो है वो विंटर कलेक्शन के जो नंबर 1 से लेकर नंबर 4 तक हमारे डिज़ाइंस थे। तो मैंने जो है दोस्तों पजामा यूज़ नहीं किए क्योंकि पजामा यूज़ करना थोड़ी मुश्किल होती है ना, थोड़ा टाइम लग जाता है, तो इसलिए मैंने पजामा यूज़ नहीं किया। तो उन्होंने होप्स सारे डिज़ाइन नोट कर लिए, अगर नहीं भी किए तो आप वीडियो को देखकर दोबारा से जो बना सकते हैं, टेलर को दिखाना है तब भी आप दिखा सकते हैं। तो डिज़ाइन ढूंढना बड़े मुश्किल होते हैं, लेकिन मैंने ये खुद से जो है वो बहुत मुश्किल से मैंने बैठ करके सोचे हैं, फिर मैंने बनाए हैं, फिर मैंने स्केच बना कर टेलर को दिए हैं, फिर टेलर ने बड़ी मुश्किल से बना के दिए हैं। तो एक तो यहाँ पे जो है टेलर किसी ढंग के मिलते नहीं हैं, तो इस वजह से जो है थोड़ी कोई मशीन जो है मेरे डिज़ाइन में है। तो नेक्स्ट डिज़ाइन भी इंशाल्लाह मैं जल्द जो है वो लेकर आऊँगा आपके लिए, ठीक है। तब तक के लिए जो है आपने मुझे देनी है जी इजाज़त, सानू देनी है तुम्हें इजाज़त, ठीक है जी। अपने गाँव जो सानू रखना है जी याद, ते अल्लाह हाफिज़।